हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्यमान ए सिंह। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, 28 ईयर्स ओल्ड, रूबरू मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट 2020 एंड 2021, एंड आई एम रियली प्राउड टू रिप्रेजेंट माई स्टेट छत्तीसगढ़। मैं पहला पर्सन हूँ जो अपने स्टेट से अभी तक इतने बड़े पेजेंट में सिलेक्ट हुआ है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। At present, you can see weather is really good. It's really nice right now. So, weather बहुत अच्छा है, हमारा event जो बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी just हम लोग shoot करके निकले हैं, beach shoot था वो। मेरा रेजीम बेसिक रहता है कि एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो भी आप मेजर कर सकते हो आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये कि आप मेजर एक बार अपना एक प्लान बना दो कि आप कितने टाइम पे कितना खा रहे हो और आप क्या एक्सरसाइज में कितना बर्न कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका प्लान बन गया। फिर उसमें से आपको कितनी काटना है, कितना ऐड करना है वो आप कर सकते हो। आपको वेट बढ़ाना है, आप ऐड कर दो एक्स्ट्रा कैलरी। आपको कम करना है, आप कट कर दो अपनी कैलरीज। सिंपल बेसिक में ये जो रहते हैं इनको फर्स्ट में कहते हैं वन बैग्स, यू गेट फोर एंड दीस वंस आर थ्री सिक्स। कुर्बानी मैंने दी है अपने टाइम की इन सेंस ऑफ नॉलेज गैदरिंग। मैंने बहुत टाइम तक स्टडी किया इंटरनेट में, मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, तो उसमें मेरे इन्वेस्टमेंट बहुत हुई। पर अदर देन डैट, जो आपकी प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल है। आपको बस खाना कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, अच्छे से सोना है, डैट्स इट। यू विल गोना गेट योर रिजल्ट। इंडीड वो बहुत ज़रूरी है। स्किन एंड हेयर का वैसे मेरे हिसाब से बेस्ट होता है कि ये आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको बताएगा कि आपके हेयर के जीन्स कैसे, अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से वो मेडिसिन देगा। एंड फॉर द स्किन मैं बेसिकली दो तीन चीज़ें होती है, हायलुरोनिक एसिड होता है एक, वो मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है आपका, और अपना एक वो रहता है रेटिनॉल ए, उससे जो स्किन रहती है एंटी एजिंग होती है। सो मैं यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट हूँ, देन टू आई लुक रियली यंग। मैंने अपना क्वालिफिकेशन किया है रायपुर छत्तीसगढ़ से ही, कलिंगा यूनिवर्सिटी, एंड मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। बहुत है टैलेंट, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैं 4.5 ईयर से थिएटर कर रहा हूँ, एंड जो हमारे सर है वो 65 ईयर से ऑलरेडी कर रहे हैं। सो टैलेंट मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत देखा है, और उनको एक्चुअली मौका नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में लोगों को इतना मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर एट प्रेजेंट जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो गई या कोई भी ओवरऑल आर्ट फील्ड हो गई गाने वगैरह की, वो सब एक्टिव है ही नहीं, तो हम लोग को इतना मौका नहीं मिल पाता छत्तीसगढ़ में। मैं ये बोलूँगा कि डिपेंडिंग करता आप कौन सी सिटी में हो और एट प्रेजेंट आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप सोच सकते हो कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, मेरा कुछ एम है, आप रास्ता बना लोगे। सीधी बात है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप अपना रास्ता बना लोगे, बस आपको गोल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए कि आपको एक गोल सेलेक्ट करना है, फिर रास्ता आप बनाते जाओगे, धीमे धीमे कभी ना कभी आप पहुंच जाओगे। बस आपको हार नहीं माननी।